नमस्ते फ्रेंड, मेरा कुकिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी दही इलिश। तो दही इलिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो 100 ग्राम मैंने हिल्सा फिश ले ली है। हिल्सा फिश भी बोलते हैं, इलिश भी बोलते हैं। बांग्लादेश की मछली है ये, समुद्री मछली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दही इलिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हिल्सा फिश जो है, इलिश माछ है जो, तो इसमें मैंने हल्दी नमक थोड़ा सा सरसों का तेल मिला दिया है। यहाँ पे मैंने 10 पीस हरी मिर्च ले लिए और यहाँ पे 100 ग्राम दही ले लिया है। इसको अच्छे से इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पे हमें पड़ेगी मिक्सी जार की ज़रूरत। मिक्सी जार में डाल लेंगे ये पीली सरसों और काली सरसों, दोनों मिक्स है इसमें। तो हम इसको छोटी चम्मच से 2 चम्मच डाल लेंगे। और 1 चम्मच डाल लेंगे पोस्तदाना। और जो मैंने हरी मिर्च ली थी इन सबको डाल लेंगे। पानी डाल के इसका सरसों और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। सरसों और मिर्च के पेस्ट में ना थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो सरसों का तीतापन है ना वो नहीं आएगा नून डालने से। सरसों और पोस्ता और हरी मिर्च को पीस लिया है। अभी हम इसमें बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। और जो दही है इसको भी डाल लेंगे। इसी पेस्ट में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने इसमें भी डाला है, पेस्ट में भी डाला है और मछली में भी जब उसको मिलाया था हल्दी नमक तब भी डाला था। तो हल्दी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। डाल देंगे सरसों का तेल, कच्चा तेल है ये। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ टिफिन में भापा बना रही हूँ, भापा करके थोड़ा सा तीखा कम हुआ है तो इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। जो मैरिनेट करी हुई मछली है ना इसको डाल देंगे इसी के साथ में। सारी फिश को मैंने डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मसाले के साथ में इसको मिला लेंगे। मैं भापा बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको बैगन डाल के पतला झोल भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से सारे मसाले में अच्छे से मिला लेंगे इसको। जल्दी भी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी होता है। बंगाली स्टाइल बनाएंगे आज, क्योंकि बंगाली समुद्री फिश है ना। सबको अच्छे से मिला लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने एक टिफिन लिया है तो इस टिफिन में इसको सारी मछली को अच्छे से सजा लेंगे। टिफिन में थोड़ा सा पहले तेल डाल देंगे तरीके से नीचे तले में। अब एक एक करके फिश को रख देंगे। सारी फिश को मैंने रख दिया है यहाँ पे। अभी जो ग्रेवी है सब इसके ऊपर डाल देंगे, फिश के ऊपर। कच्चा तेल इसके ऊपर सरसों का डाल देंगे।
और मैंने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च को इस तरीके से 2 फली में काट लिया है, इसको भी रख देंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये फिश, इसके आगे कोई सी भी फिश में टेस्ट नहीं होता। बहुत महंगी भी मिलती है ये, 1400-1500 रुपये किलो मिलती है। बांग्लादेश में सस्ती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा महंगी है। ऑनलाइन से मंगाओगे तो ये तो 2-3 हज़ार रुपये किलो मिलेगी। हम मार्केट से मंगाए हैं तो हम इसका ढक्कन लगा देंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी रख दिया था, पानी हमारा उबल रहा है। अभी हम स्टीपन को भी इसके ऊपर रख देंगे आस्ते। टिपन के नीचे तक यहाँ तक पानी रखेंगे ताकि टिपन के जो ढक्कन है ना उससे थोड़ा नीचा रहे। अभी इसके ऊपर कोई बड़ा सा वजनी नीला बर्तन रख देंगे, ये देखिए, नहीं तो टिपन उबाल आएगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। कहाँ यहाँ पे बड़ा बर्तन मतलब वजनी नीला ये रख रही हूँ, सिल बटना पीसने वाला, इस तरीके से रख देंगे और इसको ढक भी देंगे। इसको 20 मिनट मध्य आंच में पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से उबल रही है, आवाज़ आ रही है। अभी इसको खोलेंगे नहीं, अभी 10 मिनट हुए हैं, अभी ये 10 मिनट और पकाना है हमको। मीडियम टू स्लो गैस पे इसको पकाएंगे। बहुत ही अच्छी हिलसा फिश होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। ये बांग्लादेश में फिश मिलती है, समुद्री मछली है ये, वहीं से आती है और कहीं तो मिलती भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा महंगी है इसका रेट। बंद कर दिया, अभी हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अभी ये गर्म है, इसको कपड़े इसकी मदद से इसको निकाल देंगे, इसको आस्ते से निकाल लेंगे। देखते हैं ढक्कन खोल के, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितने अच्छे से हमारा भापा हुआ है। अभी हम फिश को निकाल के दिखाते हैं आपको, देखिए अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है, कितना प्यारा कलर आया है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से मछली उबली है, ये देखिए, तो फ्रेंड हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा कि ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।